शीर्षक वही है, टॉपिक नरेशन। आज की उप हेडिंग है चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन में परिवर्तन के नियम हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड टू मी, आई आई एम रीडिंग माई बुक। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है आई और माई, दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। तो नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चाहे एक हो चाहे दो, जितने भी हों, सब के सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यूं तो कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। सही भी है, लेकिन इतने से ही काम हो जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब बदलना शुरू करते हैं, ही सेड टू का हो जाता है टोल्ड, जान रहे हैं। ही टोल्ड मी, वाक्य एसर्टिव है तो दैट कंजंक्शन रहेगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, आई बदलेगा ही से। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन चाहे फर्स्ट पर्सन के हों चाहे सेकंड पर्सन के हों, जिससे बदलते हैं उन्हीं का रूप यहाँ आता है। अब चूंकि आई ही से बदलता है तो ही का रूप यहाँ आएगा, लेकिन कौन सा रूप, जिस रूप में ये हैं, यानी ये सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट यहाँ आएगा, ही का सब्जेक्ट ही होता है, ही आ गया। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदलेगा, और ये जिससे बदलते हैं उसी का रूप यहाँ आता है। कौन सा रूप, जिस रूप में ये होता है, तो ये करता है तो ही से बदल रहा है, ही का करता आ गया। अब टेंस बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज रीडिंग। माई फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट ही से। अब चूंकि माई पॉजिटिव प्रोनाउन है तो ही का पॉजिटिव वहां जाएगा, माई ही से बदलेगा, और माई पॉजिटिव प्रोनाउन है तो ही का पॉजिटिव ही यहाँ आएगा, ही बुक हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग हिज बुक। ही सेड टू मी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। दूसरा उदाहरण, ही सेड टू मी, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। तो ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी हो गया, दैट कंजंक्शन। अब कि दे जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, दे ही रह जाएगा। टेंस बदल देंगे, दे वेयर नॉट हेल्पिंग मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट है ही।
मी ही से बदलेगा और मी है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ही टोल्ड मी दैट दे वेयर नॉट हेल्पिंग हिम। He said to her my friend will not help you। ही सेट टू हर, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट कंजंक्शन। माई पॉसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो ही से बदलेगा और ये पॉसिव है तो ही का पॉसिव हिज हो जाएगा। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड और विल का वुड होता है पास्ट टेंस। वुड नॉट हेल्प वही क्रिया रहेगी। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। हर ऑब्जेक्ट है, यू बदलेगा हर से। अब देखेंगे कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता तो क्रिया से पहले होता, ऑब्जेक्ट है और हर से बदल रहा है तो हर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है, जिससे बदलता है उसका। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है, जिससे बदलता है उसका, यानी हर का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो ही टोल्ड हर दैट ही फ्रेंड वुड नॉट हेल्प हर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो थर्ड या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर मानकर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों, और चूंकि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बदलते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो यहाँ पर थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मानकर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। तो ही सेड यू कैन नॉट टेक माई पेन। ही सेड, सेड अकेले है तो सेड ही रहेगा। ही सेड दैट, अब यू लिखा जाना है, लेकिन चूंकि ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जो कि रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं हमेशा बदलते हैं, तो ये बदलेगा और ये सेकेंड पर्सन है, बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ मान लेंगे। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मानना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान लिया यहाँ हिम है, यहाँ हिम है, यू हिम से बदलेगा और चूंकि यू करता है तो हिम का करता यहाँ आएगा। यू हिम से बदलेगा और यू करता है तो हिम का करता ही यहाँ आएगा। ही सेड दैट ही कैन का पास्ट कुड नॉट टेक माई, ये लिखना है माई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही,
माई ही से बदलेगा और माई पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव हिज आएगा, हिज पेन। He said that he could not take his pen. I said to him I can not help you. तो I said to का told, I told him that conjunction. अब I को बदलना है, फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट संयोग से I है, आई आई से या फर्स्ट पर्सन से बदलेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए आई ही रह जाएगा। फर्स्ट पर्सन से बदलेगा या सेकंड पर्सन से बदलेगा तो तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई कैन का कुड नॉट हेल्प यू, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट हिम है और यू भी ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इधर पे ऑब्जेक्ट आएगा जिससे बदलेगा उसका, यानी हिम का ऑब्जेक्ट, तो हिम खुद ऑब्जेक्ट है तो हिम ही आएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट हेल्प हिम। प्रोनाउन की टेबल टेबल ऑफ प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस टी आई वी ई नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस यानी ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव एक ही प्रोनाउन के तीन रूप होते हैं, जैसे आई आई सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी और पॉजिटिव माई और माइन। आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई माइन पॉजिटिव, तीन रूप हो गए एक ही के। ये फर्स्ट पर्सन है, वी अस आवर आवर्स। ये भी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो आई मी माई माइन आई के रूप, वी अस आवर आवर्स वी के रूप, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई एक वचन है, वी यानी आई मी माई माइन एक वचन, वी अस आवर आवर्स बहुवचन। सेकेंड पर्सन यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू,
पॉजिटिव योर और योर्स। थर्ड पर्सन ही ऑब्जेक्ट है हिम पॉजेसिव हिज। थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग का सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट सी का हर, और एक पॉजिटिव भी हर होता है और दूसरा हर्ष। थर्ड पर्सन प्लूरल बहुवचन, थर्ड पर्सन बहुवचन का कर्ता दे, दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव टी एच ई आई आर दियर और दियर्स टी एच ई आई आर एस। थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर, सब्जेक्ट है इट, इट का ऑब्जेक्ट इट और पॉजिटिव है इट्स। ये रही टेबल ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन की सारणी। एक ही प्रोनाउन के तीन रूप होते हैं, सब्जेक्ट रूप, ऑब्जेक्ट रूप, पॉजिटिव रूप। ही सेड वी आर डूइंग आवर वर्क्स। शेड अकेले है, शेड ही रहेगा। ही शेड दैट वी, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट ही से बदलेगा। लेकिन यहाँ अंतर ये है कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो नंबर तो इसका ही शक्तिशाली रहेगा, इसके नंबर का नकल नहीं करेंगे। वी ही से बदलेगा तो थर्ड पर्सन का तो यहाँ प्रोनाउन आएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुवचन है तो थर्ड पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आएगा, कर्ता रूप में, कर्ता है वी, थर्ड पर्सन बहुवचन का, क्योंकि वी कर्ता है तो थर्ड पर्सन बहुवचन का कर्ता यहाँ आएगा। थर्ड पर्सन बहुवचन का कर्ता केवल दे है, दे पास्ट कंटिन्यूअस, दे वेयर डूइंग आवर, फिर फर्स्ट पर्सन है, ही से ही बदलेगा, लेकिन वो बहुवचन है तो फिर वही बात की क्योंकि आवर पॉजेसिव है तो थर्ड पर्सन बहुवचन का पॉजेसिव यानी दियर आएगा, दियर वर्क्स। प्रोनाउन में परिवर्तन का यही नियम रहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, चाहे एक आए या दो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है।
अब निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द आए होते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वे दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं, जैसे दिस का दैट, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, इस तरह से हो जाता है। नियरनेस, वर्ड्स शोइंग नियरनेस, निकटता सूचक शब्द, वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस, दूरी सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द, दूरी सूचक शब्द। अगर रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द रहेंगे, इनडायरेक्ट बदलते समय वे दूरी सूचक शब्दों में बदल जाएंगे, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, ईदर का दीदर, ईदर माने यहाँ, दीदर माने वहाँ, यानी हियर देयर का ही ये सिनानिम है। कम का कभी कभी गो भी होता है। नाउ देन में बदल जाता है। जस्ट भी देन में बदलता है। नाउ का देन, जस्ट का देन। एगो, एगो का बिफोर हो जाता है। टूडे, दैट डे, टूडे का दैट डे हो जाएगा। टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ईस्टर डे का द प्रीवियस, PREVIOUS, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर। टुनाइट, दैट नाइट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द ये होते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलते समय दूरी सूचक शब्द ये सब हो जाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, ही सेड आई शैल नॉट प्ले टूडे। ही सेड आई शैल नॉट प्ले टूडे। ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही से बदलेगा, आई करता है तो ही का करता यहाँ ही आ जाएगा, ही हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए आई और वी जब बदल कर कोई दूसरे प्रोनाउन हो जाएंगे तो उनके साथ आया हुआ शैल शुड में न बदल कर उड में बदलेगा। जब ही हो गया तो शैल का शुड नहीं उड करेंगे।
ही वुड नॉट प्ले टूडे का दूरी सूचक दैट डे, ही सेड दैट ही वुड नॉट प्ले दैट डे, सी सेड आई कैन नॉट प्ले दिस गेम, सी सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन सी से बदलेगा, आई करता है तो सी का कर्ता यहाँ आएगा यानी सी, सी कैन का पास्ट कुड नॉट प्ले दिस का दूरी सूचक दैट गेम, तो इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द होंगे उन्हें दूरी सूचक में बदल देंगे, और जो पहले की क्रियाएं की जाती रही हैं वो सब करते रहेंगे। इस नियम का एक अपवाद है, यदि दिस हियर कम और नाउ किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने होते हैं तो दिस हियर कम और नाउ में चेंजिंग नहीं होती है। यदि दिस हियर कम और नाउ किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने होते हैं तो दिस हियर कम और नाउ में भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसा लगे कि रिपोर्ट करने वाला वहाँ पर मौजूद है, व्यक्ति वस्तु स्थान को देखते हुए रिपोर्ट कर रहा है, तब उनमें चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे ही सेड आई लिव्ड हियर, उसने कहा मैं यहीं रहता था, मान लिया कि वह यह बोल रहा है उस स्थान को देखते हुए वहां पर मौजूद रहकर, स्थान पर मौजूद है उसे देख रहा है, मैं यहीं पर रहता था, तो हियर में चेंजिंग नहीं करेंगे। ही सेड दैट आई ही से बदल कर ही हो जाएगा, कर्ता के स्थान पर कर्ता आ गया जिससे बदला उसका, ही पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, ही हैड लिव्ड हियर। ही सेड आई कैन रीड दिस, देख कर कह रहा है, ही सेड दैट आई ही से ही हो गया, ही कुड रीड दिस। He said, "My father has come." देख कर कह रहा है, मेरे पिताजी आ गए हैं। He said that माई फर्स्ट पर्सन ही से बदलेगा, माई पॉजिटिव है तो ही का पॉजिटिव हीज, हीज फादर हैड कम। तो अगर ऐसा लगे कि देखने वाला
बोलने वाला स्थान को या व्यक्ति को देखकर कह रहा है, बोल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो दिस हियर कम और नाउ में चेंजिंग नहीं करेंगे। अब अगले दिन